राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण होना चाहिए, मतलब वनावरण कितने प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर बोला गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 24%, 24%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 27% और ऑप्शन डी 75%। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 33% की जो भारत की वन नीति के आधार पे जो भी लैंड एरिया है उसका कम से कम 33% हमारे क्या होना चाहिए, वन से आच्छादित होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो दो बराबर भागों में बांटती है इसको हम विषुवत रेखा ही बोलते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा, क्योंकि दो भागों, भूमध्य दो भागों में काट रहे। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या हो जाए, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जो सन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है उसमें हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी शुक्र। जो बृहस्पति होता है वो सबसे अधिक समय लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? ए उत्तर अयनांत, बी अपसौर, सी दक्षिण अयनांत और डी उपसौर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो आपकी अपसौर के दिन होती है। ठीक है, और सबसे कम दूरी कब होती है, उपसौर के दिन। और ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपसौर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुछ द्वीप। तो भारतीय मान्यता के अनुसार भारत जो है वो जम्बू द्वीप का ही भाग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट क्या हो गया, यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी सीमा को पता होगा ना, इसमें भारत है कि आपका नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया या आपका ईस्ट हो गया, सॉरी वेस्ट हो गया या ईस्ट हो गया। तो कह रहा है भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम सीमा, जो दक्षिणतम सीमा है इसकी सीमा कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास है आठ आठ अंश, आठ अंश, आठ अंश, चार मतलब 8 अंश, 8.4 अंश उत्तरी अक्षांश, 6.4 अंश उत्तरी अक्षांश, 7.4 अंश उत्तरी अक्षांश, 6.8 अंश उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 8.4 उत्तरी अक्षांश में हमारा दक्षिणतम सीमा है। कहाँ पे है तो हमारा दक्षिणतम सीमा क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट भी कह सकते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय का निर्धारण मतलब कहाँ से किया जाता है या इसका निर्धारण क्या है? ऑप्शन हमारे पास है आपका 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 80 डिग्री से, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ऑप्शन सी है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, ऑप्शन डी है 80 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर से भारत की जो मानक समय रेखा है उसका निर्धारण किया जाता है, और ये कहाँ से गुजरती है, नैनी इलाहाबाद से, नैनी इलाहाबाद के पास से, नैनी इलाहाबाद के पास से ये गुजरती है। 82.5 डिग्री बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, और इसी से भारत का मानक समय निर्धारण किया जाता है। और ये पूछा जाए कि ये लंदन के जो ग्रीनविच, लंदन का जो ग्रीनविच टाइम है वहां से कितना घंटा आ गया, तो क्या बोलेंगे आप, 5.5 घंटे। लंदन के टाइम से हमारा टाइम कितने घंटे आ गया, 5.5 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, कि जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई लगभग कितनी है। ठीक है, जैसे एक जल सीमा होती है, स्थल सीमा होती है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग पूछा जा रहा है। ठीक है, कि लगभग कितने, ऑप्शन हमारे पास है 15,200 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर और 7,516.5 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर, क्योंकि भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की सीमा रेखा की लंबाई कितनी, समझ लीजिए कि हमारा ये भारत तो देश हो गया हमारा। ठीक है, प्रोडक्शन मनी बराबर समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो जो भारत देश हो गया, ठीक है, तो अब एक तो सीमा रेखा हो गई, एक तटीय रेखा हो गई, बस सीमा रेखा तो पूरी सीमा रेखा होती है, एक तट की रेखा होती है। अब कर द्वीप, जैसे मान लिया आपका लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप समूह हो गए, तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितने, हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास है 15,200 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर और 15,500, वो सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब पूछा जाता है कि स्थल सीमा की टोटल लंबाई कितनी, जब पूछा जाता है स्थल सीमा की, कि स्थल सीमा की
लंबाई टोटल कितनी है, तो हम बोलते हैं लगभग 15,200 किलोमीटर। पर हमसे पूछा क्या रहा है, हमसे पूछा रहा है द्वीपों सहित टोटल लंबाई कितनी है, तो इसका एक ऑप्शन बना देते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर इसका सही ऑप्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब पूछा जाए द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो क्या बोलेंगे आप, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ सर, ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग एरर गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन हमारे पास है 2.2%, 2.4%, 2.8% और 3.2%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2.4%। मतलब पूरी विश्व की जो क्षेत्रफल है उसका केवल भारत के पास 2.4% ही है, बट जनसंख्या की बात करेंगे तो आप देखेंगे 16 से 17% हम ही है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के ये कितने हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है। मतलब भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा पर है, बस राज्य पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछ रहा है। तो याद रखिएगा भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्र तट रेखा पर स्टार्ट है। जैसे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं इधर से, तो आप देखेंगे यहाँ से गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, करते करते यहाँ तक आ जाए पश्चिम बंगाल तक। तो पूछा जा रहा है कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है, तो याद रखिएगा भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर है। और वही पूछता है केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट रेखा पर है, क्या बोलते हैं आप, 5। कितना बोलता, 5। और वही अगर पूछता कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट रेखा पर है, तो 9 और 5 कितना हो जाता हमारा, 14 हो जाता। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। मतलब भारत की जो उत्तरी सीमा है, आपको पता ही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास हिमालय, बी अरावली, सी नीलगिरी, डी मैकॉल। आपको पता होगा कि उत्तर का हिमालय, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन प्रकार है। ठीक है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास उष्णाद पतझड़ वन, बी पर्वतीय वन, सी आद्र मानसूनी वन और डी आपका मानसूनी वन। तो आपको पता होगा भारत का अगर क्षेत्रफल आपको पता है, इसके साथ साथ हमारा जो रीजन समझ रहे हैं कि हमारे पास किस प्रकार के वन होते हैं, तो आपको पता होगा हमारे यहाँ उष्णाद्र पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। जो सोलर सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन हमारे पास कैपलर, वही जॉन कैपलर, बी कॉपरनिकस, सी गैलीलियो और डी न्यूटन। तो इसका सही ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या आ जाए हमारा, इसका ऑप्शन जो बी है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस साहब ने सबसे पहले सोलर प्रणाली के बारे में बताया था, और ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर ही लगभग जो ग्रह है वो मूव करते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखें। चलिए हम अगला, कुछ जियोग्राफी खत्म हो गया, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए जियोग्राफी स्टार्ट हो गया है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन हमारे पास है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, गुजरात। जो गुजरात राज्य है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, कह सकते हैं करीब 1214 किलोमीटर। ठीक है, 1214 किलोमीटर लंबी है इस राज्य की, आई मीन तटरेखा। और किस में है ये, आपके अरब सागर में। कहाँ मिलती है आपके, अरब सागर। जैसे भारत को आप नक्शा देखेंगे तो यहाँ का बंगाल खड़ी आ जाएगा, यहाँ ये एरिया हमारे, ये गुजरात आपका ना, तो किस एरिया में आता है हमारा, अरब सागर की तरफ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। आपको पता होगा माजुली नदी है सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तो ये किस किसका निर्माण कर नदी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए कृष्णा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र आते हैं जो देख रहे करीब 18 से 19 किलोमीटर का एरिया है, ऐसे दो एरियाज में निकल जाती है ब्रह्मपुत्र, और बीच में एक छोटा सा ये टापू टाइप का बन जाता है जो कि बहुत बड़ा द्वीप बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्वत की निम्न श्रेणियों में से किसमें हिमालय संबंध, मतलब हिमालय किससे संबंधित है। ठीक है, हिमालय जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास ए वलित पर्वत, बी पठार पर्वत, सी ब्रह्मोत्सव पर्वत और डी गुंबदनुमा पर्वत। तो आपको पता ही होगा कि
हिमालय के बारे में अक्सर हम पढ़ी रहे हैं कि हिमालय जो क्या है, एक प्रकार का वलित पर्वत है, या क्या है, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए, 50% सेंटीमीटर से कम जहां पर वर्षा होगी वहां किस प्रकार के वन होंगे आपके? मरुस्थली वन। ऑप्शन हमारे पास देख लेते हैं, ए मरुस्थली वन, बी सदाबहार वन, डी आद्र मानसूनी वन और डी मानसूनी वन। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? मरुस्थली वन, जहां पे भी आपका 50 सेंटीमीटर से कम औसत बारिश होगी, वार्षिक बारिश, तो वहां पे किस प्रकार के वन होंगे आपके? मरुस्थली वन। ठीक है, जिसमें आपके कीकड़, बबूल, नागफन, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है, ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी नागपुर और डी आपका क्या है, भोपाल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? देहरादून। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ आपका है? वो भी आपका देहरादून में है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो माइलस्टोन भारत में कहाँ पर स्थित है? जीरो माइलस्टोन भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी नागपुर, जिसको ब्रिटिशों ने भारत में स्थापित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी सूर्य किरण जिसको कोरोना भी कहते हैं, ऑप्शन सी क्रोड, ऑप्शन डी दीप्तिमंडल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोरोना या सूर्य किरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाह्य ग्रह नहीं है? हमें बताना नहीं है। ठीक है, जैसे इंटरनल ग्रह होते हैं, एक्सटर्नल ग्रह होते हैं, तो हमको बताना है कौन सा इसमें वाह्य ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी अरुण। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो मंगल है वो आपका वाह्य ग्रह नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ए कर्क रेखा पर, बी विषुवत रेखा पर, सी मकर रेखा पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो देशांतर की जो मैक्सिमम दूरी होगी 1 डिग्री देशांतर की, वो कहाँ होगी भाई? विषुवत रेखा पर। जैसे मान लीजिए हमारा ये आपका ये जो विषुवत रेखा हो गई, तो यहाँ पे भाई मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो देशांतर रेखा, वो यहीं पे तो करेगा आपका। तो आंसर हमारे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय प्रायद्वीप, ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन सी यूरोप प्रायद्वीप, ऑप्शन डी साइबेरिया प्रायद्वीप। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप। यही जो प्रायद्वीप है वो भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप में बसा हुआ सबसे घना द्वीप कौन सा है? मतलब एशिया महाद्वीप में सबसे बसा हुआ घना द्वीप कौन सा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी जावा। तो सबसे जो घना बसा हुआ द्वीप है वो कौन सा? हमारा जावा द्वीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी कैपलर, ऑप्शन डी जेम्स हटन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। इन्होंने ही आपका सौर प्रणाली की खोज की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? ए टिटिकाका, बी विक्टोरिया, सी बैकाल, डी मृत सागर। तो जो विश्व की सबसे गहरी झील है ये आपकी बैकाल झील है, जो कि आपका रूस में पड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो जो आपकी अरावली श्रेणियां है ये आपका राजस्थान राज्य में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आपके राजस्थान राज्य में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम है? ठीक है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो वनों का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल है ये आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ या कौन सा है? ए जामनगर, बी मथुरा, सी पारादीप, डी डिगबोई। तो जो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है वो आपका जामनगर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा आपका तेल शोधक कारखाना है, तो वो आपका मथुरा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए हेलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के अलावा जो सबसे अधिक तत्व मिलता है वो आपका हीलियम मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन मिलके ही आपका हीलियम बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन मिलके आपका हीलियम बनाता है ना, आपकी संलयन की प्रक्रिया के थ्रू सूर्य में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हीलियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्मोग्राफी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए नदियां, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। जो सिस्मोग्राफी है इसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। जो एटलस पर्वत है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन हमारे पास है ए 8, बी 5, सी 11 और डी 9। तो आपको पता होगा जो हमारा प्यारा देश भारत है, तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होकर आपका मेघालय तक आपकी कर्क रेखा चलती है। ठीक है, तो इसका कितने राज्य होते हैं आपके? 8 राज्य। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कही जाती है, मतलब किस नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए गंगा, बी कोशी, सी हुगली और डी दामोदर। तो जो दामोदर नदी है इसी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। यही कहता हमसे कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक कहते हैं कोशी नदी को। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? ऑप्शन हमारे पास है ए तेथिस सागर, बी इंडो वर्मा, सी शिवालिक और डी अरावली। तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो आपके तेथिस सागर की भू सन्नति से हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए शिवालिक की पहाड़ियों में, बी असम की पहाड़ियों में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों में और डी त्रिपुरा की पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, आपको पता होगा तमिलनाडु में ही आपका नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो वहीं पे ही सबसे अधिक आपके चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, इस वाली जो विषुवत रेखा है आपकी, ठीक है, तो कौन सी नदी इसको दो बार काटती है? ठीक है, ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी जायरे, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। तो जो आपकी जायरे नदी है ये आपका विषुवत रेखा को दो बार काटती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार का पेग्यूमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। तो जो म्यांमार का पेग्यूमा क्षेत्र है वो आपका खनिज तेल का बहुत अच्छा उत्पादक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब इसमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ए न्यूजीलैंड, बी श्रीलंका, सी ग्रीनलैंड, डी मेडागास्कर। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम ग्रीनलैंड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लानोस कहाँ के घास स्थल है? ऑप्शन ए गुयाना उच्च भूमि, ऑप्शन बी ब्राजील उच्च भूमि, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, डी चिली। तो जो लानोज है वो आपके गुयाना उच्च भूमि के घास स्थल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑप्शन बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का पठार, डी दक्कन का पठार। तो जो सबसे ऊंचा पठार है विश्व में वो आपका तिब्बत का पठार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी मंगल। तो इसमें जो शुक्र ग्रह है इसी को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? ठीक है, आपको पता होगा कि जितने टाइम जोन है वो हर एक टाइम जोन में कितनी डिग्री तय होती है। ऑप्शन ए 24 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 10 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। तो हर एक टाइम जोन में आपका 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब इसमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ए न्यूजीलैंड, बी
श्रीलंका, सी ग्रीनलैंड, डी मेडागास्कर। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम ग्रीनलैंड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लानोस कहाँ के घास स्थल है? ऑप्शन ए गुयाना उच्च भूमि, ऑप्शन बी ब्राजील उच्च भूमि, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, डी चिली। तो जो लानोस है वो आपके गुयाना उच्च भूमि के घास स्थल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑप्शन बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का पठार, डी दक्कन का पठार। तो जो सबसे ऊंचा पठार है विश्व में वो आपका तिब्बत का पठार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी मंगल। तो इसमें जो शुक्र ग्रह है इसी को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? ठीक है, आपको पता होगा कि जितने टाइम जोन है वो हर एक टाइम जोन में कितनी डिग्री तय होती है। ऑप्शन ए 24 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 10 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। तो हर एक टाइम जोन में आपका 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? ए अधिकेंद्र, बी फोकस, सी प्रकाश मंडल, डी भूकंपी जोन। तो जो भूकंप का उद्गम बिंदु होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईपी सेंटर कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? ए होनशु, बी शिकोकू, सी क्योशु, डी होकाइडो। तो जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो आपका होनशु द्वीप पे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमोस निवासी हैं कहाँ के? ए अलास्का, बी मंगोलिया, सी मलाया, डी श्रीलंका। जो एस्किमोस हैं वो आपके अलास्का क्षेत्र के मूल निवासी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाने का कार्य वो आपकी महानदी करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई हाई किससे संबंधित है? ए इस्पात, बी पेट्रोलियम, सी मकबरा, डी जूट। जो मुंबई हाई है वो आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शंस देखते हैं। ए नेपच्यून, बी यूरेनस, सी सन, डी शुक्र। जो टाइटन है आपका वो आपका शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? ए वरुण, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी बुध। जो बुध है उस ग्रह का द्रव्यमान जो है वो न्यूनतम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब ईंधन के लिए? ए जैविक ईंधन, बी फॉसिल ईंधन, सी पवन ऊर्जा, डी न्यूक्लियर शक्ति। जो पवन ऊर्जा है वो सबसे अच्छा स्रोत पड़ेगा क्योंकि इससे कोई भी पर्यावरण का हानि नहीं होती है और सबसे स्वच्छतम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? ए बेतवा, बी केन, सी रिहंद, डी टोंस। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो आपका बेतवा नदी पे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगदी फल में फसल में सम्मिलित हो नहीं है, ठीक है, मतलब नगदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? ए गन्ना, बी कपास, सी जूट, डी चावल। तो आप देख रहे हैं इसमें जो चावल को छोड़ के ये तीनों ही क्या है, नगदी फसल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। तो जो लाल रंग का दिखाई देता है वो आपका मंगल ग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। तो जो आपका शुक्र है इसी को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी रिहंद। तो जो जौनपुर है आपका वो गोमती नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी? आप तुगलक जी का नाम जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ए कोरोमंडल, बी गिरनार, सी उत्तरी सरकार, डी कोंकण। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क खनिजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है? ए नावमंडी, बी बर्धमान, सी मयूरभंज, डी केमानगुंडी। तो इसमें जो मयूरभंज जिला है वो आपका खनिज अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका उड़ीसा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी दामोदर, डी कोयना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी उपस्थित है ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी उत्तराखंड में, डी तमिलनाडु में। जो साइलेंट वैली या शांत घाटी है ये भारत के केरल राज्य में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन सर्वाधिक वनाच्छादित है, मतलब कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? ए गुजरात, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी असम। तो सर्वाधिक वनाच्छादित है उसके लैंड एरिया से है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिजोरम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, हमें नहीं बताना है? ए चावल, बी गेहूं, सी गन्ना, डी कपास। तो इसमें जो गेहूं है गेहूं रबी की फसल होती है, बाकी तीनों आपके खरीफ की फसल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बंगलुरु, डी चेन्नई। तो जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का गौरव है वो आपका कोयम्बटूर को प्राप्त है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिग्मी किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पिग्मी मतलब पिग्मी जनजाति से किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ए सहारा, बी कांगो बेसिन, सी पंपास, डी विश्वत रेखीय वन। तो जो पिग्मी जनजाति है वो मेनली आपकी जो कांगो बेसिन का क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है? ए लाओस, बी फिनलैंड, सी नेपाल, डी स्विट्जरलैंड। तो जो आपका फिनलैंड है इसी को हम झीलों की वाटिका के नाम से जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत देश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कलसुबाई शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। जो कलसुबाई शिखर स्थल है जो कि एक बहुत ही मनोरम स्थल है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ए ताप्ती, बी कोशी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो ये जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ही फेमस है, ये आपका कृष्णा नदी पे है। मैं भी वक्त कंफ्यूज जाता था यहाँ से, याद ऐसे कि नागार्जुन, अर्जुन किसके साथी थे, मतलब किसके अर्जुन के परम मित्र कौन थे? तो कृष्णा, तो वही मैंने कृष्णा लगा रखा है, ठीक है समझने के लिए, बट जैसे यात्रा आप याद करें। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? ए केरल, बी नागालैंड, सी गोवा, डी हरियाणा। तो जो नागालैंड है यहीं पे आपके ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ए अरबी, बी स्पेनिश, सी हिंदी, डी आंग्ल। तो जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपकी अरबी भाषा से हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह, डी बेंगलुरु। तो इन सब में देखना जो लेह है आपका ये सबसे सूखा स्थान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी देहरादून, डी हैदराबाद। तो जो राष्ट्रीय शोध संस्थान है जिसको मिरी कहते हैं ये आपका कहाँ है? नागपुर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति मतलब कौन सा वहां मिलता है? ए साल, बी चीड़, सी यूकेलिप्टस, डी सागौन। तो नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में आपका सागौन सबसे अधिक मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ए लखीमपुर खीरी, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी सहारनपुर। तो जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वो आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर की संख्या कितनी है? तो भाई जैसे मान ली देशांतर हमारा टाइम, देशांतर मतलब अंतर, मतलब टाइम ही बता रहा है वो, ठीक है। तो देशांतरों की संख्या भाई समझिए कि एक गोले में कितना होता है, 360 डिग्री। तो सीधा आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन ए 24, बी 90, सी 180, डी 360। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 360 रेखा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो विषुवत रेखा के समानांतर जो कल्पित रेखा है उनको हम क्या कहते हैं? ए अक्षांश रेखाएं, बी ग्रीनविश रेखा, सी देशांतर रेखाएं, डी मध्यान रेखा है। तो भाई मान ली हमारी ग्लोब हो गया, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, तो इसके समानांतर भाई पैरेलल तो यही रेखाएं होंगी ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक कितनी दूरी है? मतलब हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये टोटली मुख्य दूरी की यहाँ से दूरी पूछी जा रही कितनी है? ए 29 से 14 किलोमीटर, बी 32 से 14 किलोमीटर, सी 37 से 85 किलोमीटर और डी 41 से 9 किलोमीटर। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कितनी दूरी है। तो ये जो नॉर्थ से साउथ भारत की दूरी है वो कितनी है हमारी? 3,214 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम दूरी, अब ये पूछा जा रहा है पूर्व से पश्चिम, ये आपका पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, नॉर्थ है साउथ है। तो जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2,933 किलोमीटर, बी 3,033 किलोमीटर, सी 3,133 किलोमीटर और डी 3,214 किलोमीटर। तो ये भारत की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो हमारी कितनी है? 2,933 किलोमीटर। भाई हमसे पूछता है नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ, तो हम क्या बोलते हैं हमारा? 3,214 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस देश के बीच में सीमांकन का कार्य करता है? ए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, बी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सी मिस्र और सूडान, डी अमेरिका। तो जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है ये आपका अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है इसको आपका 38 डिग्री, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए ग्रीनविच, बी सिडनी, सी ग्रीनलैंड, डी इलाहाबाद। तो जो प्रधान मध्यान रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये हमारी कहाँ से गुजरती है? हमारी ऑप्शन ए ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह हमारा कौन सा? ऑप्शन है शुक्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? मतलब दो जो लगातार देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे देशांतर क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखा ये हमारा ग्लोब हो गया, तो ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये तो हमारी क्या हो गई? ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। और जो टाइम को बांटने के लिए ऐसे ऐसे जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, पूरे टाइम इंटरवल बांटने के लिए, इसको कहते हैं देशांतर। तो कह रहा है कि एक मतलब दो लगातार देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? तो 4 मिनट होती है, मतलब 1 डिग्री में आपका यहाँ पे आपका 4 मिनट हो जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ए 6 डिग्री 4 मिनट 3 अक्षांश, बी 60 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको पता होगा जैसे भारत की बात करते हैं, ये पूरे भारत माले हमारा देश है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि, यहाँ पे जो द्वीप की बात नहीं की जा रही, दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश हमसे पूछा जा रहा है कि वो किस अक्षांश पे। तो याद रखिएगा वो 8.4 उत्तरी अक्षांश पे है। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 8.4 उत्तरी अक्षांश, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यान रेखा है, ठीक है, जहां से हमारा टाइम डिवाइड मतलब डिसाइड होता है? ए 52 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व, बी 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व, सी 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व, डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो आपको पता होगा हमारा जो टाइम डिसाइड होता है वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात बराबर होते हैं, ठीक है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी हिंज रेखा। भाई वही, फिर से वही बात, ये हमारा ग्लोब हो गया। तो भाई ये जो भूमध्य रेखा है यहीं पे तो भैया सूर्य मतलब दिन और रात दोनों तरफ बराबर होंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यान रेखा है, ठीक है, जहां से हमारा टाइम डिवाइड मतलब डिसाइड होता है? ए 52 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व, बी 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व, सी 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व, डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो आपको पता होगा हमारा जो टाइम डिसाइड होता है वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, हमारी टोटली स्थलीय सीमा की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर और डी आपका सॉरी बार हाँ 1200 किलोमीटर और डी 15200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की टोटली लंबाई है, स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, 15200 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी परिजी। जैसे मान ली सन है हमारा, ठीक है, ये अर्थ है, तो सन से कोई भी ग्रह है इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इसको कहते हैं अपसौर, क्या बोलते हैं हम? अपसौर। और जो सूर्य से सबसे नजदीक की दूरी है उसको कहते हैं उपसौर। एक जान लीजिएगा उप का मतलब होता है पास, ठीक है, तो डिस्टेंस कम होगी तो क्या कहेंगे? उपसौर। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे? अपसौर, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो कह रहा है एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी क्या कहेंगे हम? अपसौर कहेंगे, न्यूनतम पूछता तो अपसौर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस देश के बीच में सीमांकन का कार्य करता है? ए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, बी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सी मिस्र और सूडान, डी अमेरिका। तो जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है ये आपका अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है इसको आपका 38 डिग्री, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं? ए भूमध्य रेखा पर, बी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो देखिए जो पृथ्वी पर जो उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, भाई जो भूमध्य रेखा यहाँ पे बिल्कुल सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगे, तो भूमध्य रेखा पर ही मैक्सिमम टेम्परेचर हम मेजर करेंगे। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो जो भोर का तारा कहा जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है और इसे ही हम सांझ का तारा भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 60 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको पता होगा जैसे भारत की बात करते हैं, ये पूरे भारत माले हमारा देश है, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि, यहाँ पे जो द्वीप की बात नहीं की, दक्षिणी सीमा की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश हमसे पूछा जा रहा है कि वो किस अक्षांश पे। तो याद रखिएगा वो 8.4 उत्तरी अक्षांश पे है। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 8.4 उत्तरी अक्षांश मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए ग्रीनविच, बी सिडनी, सी ग्रीनलैंड, डी इलाहाबाद। तो जो प्रधान मध्यान रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये हमारी कहाँ से गुजरती है? हमारी ऑप्शन ए ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 3 जनवरी। जो पृथ्वी जो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है वो आपकी अपसौर के दिन, किस दिन? सॉरी उपसौर के दिन होती है। जैसे मान ली हमारी पृथ्वी है, जिसमें पहले आपसे समझाया ये सन है हमारा, तो सन से
जो अर्थ की मैक्सिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस सबसे अधिक, उसको कहेंगे हम अपसॉर। क्या कहेंगे हम? अपसॉर। और अपसॉर कब होता है? 4 जुलाई को। इसी तरह जब पृथ्वी की डिस्टेंस सबसे कम होगी, सबसे नजदीक होगा सन के, तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं हम? उपसौर। और उपसौर कब मनाया जाता है आपका? वो सीधा डेट जो देख रहे हैं आपका, 3 जनवरी। कब मनाते हैं हम? 3 जनवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।